हेलो दोस्तों, अटायरेशन में आप सभी का स्वागत है। आपको नव वर्ष की बहुत ही शुभकामनाएं। आज साल का दूसरा दिन है, क्या आप सभी ने भी मेरी तरह कोई न्यू ईयर रिजोल्यूशन बनाया है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। हमारी आज की क्लास एक क्लास नहीं बल्कि एक क्विक टिप है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अरे नहीं, क्विक टिप। जब आप लोगों ने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा तो इसमें कुछ ऐसे ऑप्शंस मिले होंगे जिससे आप अपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को डिसाइड कर पाए होंगे, पर हो सकता है कि आप सभी को अब वो सेटिंग अच्छी ना लगती हो। और उसी में से एक सेटिंग है मेजरमेंट्स की। मेजरमेंट्स कई लोग इंचेस में लेना प्रेफर करते हैं और कई लोग सेंटीमीटर में, तो कुछ मिलीमीटर में। पर क्या वक्त के साथ आपकी भी प्रेफरेंस बदल गई है? क्या आप इंचेस की जगह सेंटीमीटर में नापना अच्छा लगता है पर आपको ये नहीं पता कि अब आप वो सेटिंग कहाँ से चेंज करेंगे? तो चिंता मत कीजिए, आज हम आपको वो चीज भी बता देंगे। इस सॉफ्टवेयर में ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं जिनसे आप अपने मन मुताबिक अपने सॉफ्टवेयर को रेडी कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं और आसानी से काम भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने इस वाले ऑप्शन पे जाना होगा, सेटिंग्स। सेटिंग्स में जाने के बाद आप यूजर सेटिंग्स में जाइए और वहां से अपने यूजर इंटरफेस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। ये ऑप्शन ओपन करते ही आपको दिखने लग गया होगा कि हम नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, यूनिट सिस्टम। यहाँ से आप अपने मन मुताबिक की यूनिट को सिलेक्ट कर सकते हैं, भले ही वो सेंटीमीटर हो या मिलीमीटर हो। अब आपको कोई भी यूनिट चूज करने में मुश्किल नहीं आएगी। इसके लिए आपको प्रोग्राम को केवल और केवल रिस्टार्ट करना होगा। यहाँ ओके कीजिए। यहाँ जैसे ही आप ओके करेंगे आपकी सेटिंग रेडी हो जाएगी, पर अभी वो आपके सॉफ्टवेयर में अप्लाई नहीं हुई है। उसके लिए आपको अपने सॉफ्टवेयर को एक बार रिस्टार्ट करना होगा। तो हम इसको बंद कर लेते हैं और इसको क्लोज करके फिर से खोलते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर खुल चुका है और अब हमें देखना है कि क्या हमारी सेटिंग बदल चुकी है। यहाँ से आप कोई भी शेप अपनी सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हमारी मेजरमेंट बदली है या नहीं। हमारे प्रॉपर्टी एडिटर ने तो ऑलरेडी सेंटीमीटर्स में वैल्यू दिखानी शुरू कर दी है, पर क्या हमारा एडिट टूल भी सेंटीमीटर्स में ही काम कर रहा है? अपने एडिट टूल को सिलेक्ट करके इसकी कोई भी लाइन या पॉइंट को सिलेक्ट करके देखते हैं और फिर साथ ही साथ राइट क्लिक करते हैं। जी हाँ, हमारे मेजरमेंट के साथ सेंटीमीटर दिखने लगा है, तो मतलब ये हर तरीके से वर्क कर रहा है। पर क्या हमारी पुरानी फाइल्स जिस पे हमने वर्क किया था वो भी अब सेंटीमीटर में हो चुकी हैं? चलिए वो भी देख लेते हैं। हम अपनी सबसे पहली फाइल ही खोल लेते हैं। हमने अपनी स्लीव को जब सिलेक्ट किया तो हमें सेंटीमीटर तो दिखाई दे रहा है, तो साथ ही साथ एक बार एडिट टूल को हम फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं। मूव एंड राइट क्लिक। हमारी पुरानी वर्किंग फाइल भी अब सेंटीमीटर में चेंज हो चुकी है, तो हमें ये चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि हम अपने पुराने वर्किंग प्रोफाइल्स की प्रोजेक्ट्स की मेजरमेंट कैसे चेंज करेंगे। तो इसके लिए आपको याद रखना होगा कि आपको सॉफ्टवेयर को रिस्टार्ट करना ज़रूरी है, जिससे वो फिर से नई एप्लीकेशंस के साथ, नए डिफ़ॉल्ट सिस्टम के साथ आपके साथ आसानी से काम कर पाए। तो अपने सॉफ्टवेयर को रिस्टार्ट करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी। कोई भी परेशानी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जिससे आप वहाँ भी हमसे जुड़ पाएँ और
साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, जिससे आप अपने सहपाठियों से बात कर पाएं और साथ ही साथ आपने क्या इंटरेस्टिंग बनाया है वो हमें दिखा पाएं। आप सभी का धन्यवाद।